चीन पाकिस्तान मिलकर करते रहे भारत की बर्बादी का प्लान। इधर मोदी ने अमेरिका से मिलकर रातों रात कर डाला बड़ा खेल। मोदी के मास्टर स्ट्रोक से शी जिनपिंग की हलक में आई जान। अब दिल्ली की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा ड्रैगन। दोस्तों, भारत और चीन के रिश्तों के बारे में आप जानते ही होंगे। साम्राज्य विस्तार की नीति पर काम करने वाला ड्रैगन दूसरे देशों की जमीन पर नजरें गड़ाए हुए रहता है और मौका मिलते ही उस पर पूरा का पूरा अधिकार कर लेता है। इसके बाद कोई भी देश कितना भी छटपटा ले, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों चाइनीज चीन की किसी भी नियम को नहीं मानते। उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला भी घोड़े की लात के बराबर होता है। और दोस्तों, यही बड़ा कारण है कि 14 देशों के साथ सीमाएं साझा करने वाला चीन अब 23 देशों के साथ सीमा विवाद कर रखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन आखिर ऐसा कैसे कर लेता है? आखिर चीन के पास इतना ज्यादा पैसा कहां से आता है जिसके चलते उसकी सेना इतनी पावरफुल हो चुकी है? और कैसा रहेगा दोस्तों कि चीन अगर कंगाल हो जाए तो क्या वो अपनी इन हरकतों से बाज आ पाएगा? आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने रातों रात ऐसा कौन सा खेल कर दिया है जिससे चीन को अरबों डॉलर का नुकसान होना तय है? और ऐसा क्या होना चाहिए कि चीन को उसकी औकात समझ में आ जाए? मुझे कमेंट लिखकर के आप बताते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन दोनों ही दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, जहां भारत एक तरफ लोकतांत्रिक देश है तो चीन वामपंथी देश है और फिलहाल वहां जिनपिंग की तानाशाही चल रही है। दोस्तों, बीते कुछ सालों में चीन ने खुद को बहुत ज्यादा तेजी से विकसित किया है। चीन में तेजी से इंडस्ट्री डेवलप हुई, विदेशी कंपनियों ने चीन में जमकर निवेश किया, जिसके कारण से आज वो अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन विदेशी कंपनियों की तकनीकों का गलत इस्तेमाल करके चीन इससे अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है। वैसे भी दोस्तों, किसी भी देश की ताकत उसकी इकोनॉमी पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा तो देश कंगाल हो जाएगा और सेना कमजोर होती चली जाएगी। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी बात को बताने वाला हूं कि चीन के साथ भारत और अमेरिका ने मिलकर ऐसा कौन सा खेल कर दिया है कि उसकी जान अब हलक में अटक चुकी है। क्योंकि दोस्तों, चीन जिस मायावी ताकत से खुद को महाशक्तिशाली बना चुका था, उस पर अब भारत ने सीक्रेटली प्रहार कर दिया है और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। वैसे भी दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी ही होगी कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा। दोस्तों, यहां ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन से निपटने के लिए भारत को सीमा पर एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी, लेकिन चीन के सीने पर ऐसी चोट दी है कि अब ड्रैगन की बर्बादी तय है। तो आखिर ये बर्बादी कैसे होगी, चलिए जरा इसके बारे में आपको बताता हूं। तो दोस्तों, बात कुछ यूं है कि चीन एशिया में चिप और सेमीकंडक्टर बनाने वाला प्रमुख देश है। चीन अपने लेबर का इस्तेमाल करके बल्क में इन चीजों का प्रोडक्शन करता है और दुनिया भर के बाजारों में उसे डंप कर देता है। इसका असर ये हो रहा है दोस्तों कि चाइनीज सामान सस्ता होने के कारण बाकी कंपनियां बंद होने की कगार पर हो जाती हैं। लेकिन चीन की इसी चाल की काट निकालने के लिए भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ी डील कर डाली है। दोस्तों, अमेरिका की वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो भारत के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने मोदी के साथ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 50 अरब डॉलर की डील साइन की है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर भी सहमति बन चुकी है, इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी सचिव ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात में वैसे तो कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन सभी का फोकस सेमीकंडक्टर डील पर सबसे ज्यादा रहा। क्योंकि दोस्तों, केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर सेक्टर के जरिए आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी सरकार ने भी बड़े निवेश का ऐलान कर दिया है, जिससे चीन के इस सेक्टर का ध्वस्त होना तय है। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आखिर भारत के साथ मिलकर अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका ड्रैगन की दोगली नीतियों से डरा हुआ है। उसे डर है कि चीन उसकी तकनीक का इस्तेमाल आर्मी को डेवलप करने के लिए कर रहा है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका दोनों ही देश चीन की जासूस कंपनियां हुआवे और ZTE को बाजार से बाहर करना चाहते हैं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, पिछले साल भी अमेरिका ने चीन की कई सारी कंपनियों को बैन कर दिया था, जिसे उसे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था, और अब ये सिलसिला भारत से मिलकर तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। भारत और अमेरिका की सीक्रेट चाल से थर्राया चीन। 5000 चीनी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर लगा ताला। चिप मैन्युफैक्चरिंग में चीन का खत्म होने वाला है दबदबा। भारत करेगा बड़ा खेल।
दोस्तों सेमीकंडक्टर चिप के बिजनेस में अब चीन का वर्चस्व टूटता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां चीन में चिप निर्माण तेजी से घट रहा है तो वहीं भारत और अमेरिका अपना घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़ा रहे हैं। साउथ चाइना पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में प्रतिबंधों और डिमांड में भारी कमजोरी की वजह से चिप निर्माण में अब तक की सबसे बड़ी मासिक गिरावट देखने को मिली है। वहीं अमेरिका भी चिप प्रोडक्शन में तेजी से काम करने में जुटा हुआ है। भारत से डील करने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिप से जुड़े एक प्रस्ताव पर साइन किए हैं जो सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रोत्साहन के लिए करीब $52 अरब खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। दोस्तों इंटेल ने अमेरिका के ओहायो राज्य में $20 अरब के एक सेमीकंडक्टर प्लांट पर काम करना शुरू कर दिया है तो सैमसंग ने अगले 2 दशकों में अमेरिका में 11 और चिप प्लांट बनाने के लिए करीब $200 अरब का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। तो वहीं भारत ने गुजरात में चिप प्रोडक्शन को हवा दे दी है। भारत और अमेरिका की चाल से चीन की 5,000 कंपनियों पर ताला पड़ चुका है और जो बची हुई है उनमें भी तेजी से छंटनी शुरू हो चुकी है। यानी दोस्तों अब चिप मैन्युफैक्चरिंग में चीन का दबदबा खत्म होने वाला है और इस मामले में जब से अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगाया है तब से भारत को बड़ा फायदा हो रहा है। दोस्तों भारत खुद को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहता है और इसके लिए भरसक प्रयास भी जारी है। मोदी सरकार ने अब उद्योग धंधों को अहमियत देने के लिए बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। चूंकि अमेरिकी कंपनियां भारत आ रही हैं लिहाजा भारत की इकोनॉमी को काफी सहारा मिल रहा है। दोस्तों सेमीकंडक्टर दुनिया में चौथा सबसे बड़ा ट्रेड होने वाला प्रोडक्ट है। सिलिकॉन के छोटे से टुकड़े का बिजनेस फिलहाल दुनिया भर में $500 अरब का है और इतना ही नहीं दोस्तों माना यह जा रहा है कि साल 2030 तक इसकी कीमत जो है वो दोगुनी हो जाएगी। चिप वाली इंडस्ट्री में दुनिया के 120 देश शामिल हैं। दोस्तों सेमीकंडक्टर से ज्यादा ट्रेड आज की डेट में केवल क्रूड ऑयल, मोटर व्हीकल और इसके कलपुर्जों और खाने पीने वाला जो तेल होता है उसका ही होता है। दोस्तों साल 2019 में टोटल ग्लोबल सेमीकंडक्टर ट्रेड की वैल्यू $1.7 ट्रिलियन पहुंच चुकी थी और आपकी जानकारी के लिए यहां भी ये बताना जरूरी है कि भले ही सेमीकंडक्टर चिप के लिए दुनिया के 2 बड़े देश यानी अमेरिका और चीन फिलहाल आमने सामने हैं और भारत अब इसमें एक बड़ा खिलाड़ी बनकर के उभरा है, लेकिन आज की डेट की अगर बात करूं तो असली खिलाड़ी इनमें से कोई नहीं है बल्कि कोई और ही है। दोस्तों दुनिया भर के आधे से ज्यादा एडवांस चिप बनाने का काम चीन का पड़ोसी देश ताइवान कर रहा है। दोस्तों ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों जिनमें एप्पल, एएमडी, एनवीडिया, एआरएम शामिल हैं, इन सबको चिप सप्लाई ताइवान से होती है। लेकिन दोस्तों दरअसल चीन से तनाव के कारण ताइवान का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्शन गहरा प्रभावित हो चुका है और इसके कारण दुनिया में चिप और सेमीकंडक्टर्स की भारी कमी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका ने भारत से मिलकर के चीन की हालत पतली कर दी है और इससे भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज देखी जा रही है, क्योंकि अब इन कंपनियों को चीन जैसी फैसिलिटी, लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा जो अमेरिका में और यूरोप में बिल्कुल नहीं मिल सकता है, लिहाजा उन्हें भारत में ही निवेश करना होगा और जो होना शुरू भी हो चुका है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि अमेरिका ने यूं ही अपनी कूटनीतिक चाल और अपनी रणनीति से चाइना में कंपनीज पर ताला लगा दिया है या फिर मोदी की कोई भी रणनीति इसके पीछे शामिल है? क्या चीन पलटवार कर पाएगा या फिर अमेरिका की चाबी लगने के बाद से ये पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर चिप वाला बिजनेस भारत की झोली में आकर के गिर जाएगा? आप क्या कुछ मानते हैं मुझे कॉमेंट लिख करके जरूर बताइए।